मुझे तो बड़े अच्छे लगे ये लोग। बस अब सायम की शादी भी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। अम्मी मैं अमारा से ही शादी करूंगा, वरना इतनी तेज भागूंगा ना किसी के हाथ में नहीं आऊंगा। चल भाग जा, इसी बहाने तुझे कोई नाम शनाम ही मिल जाएगा। भाई अब आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। रुको, मत रुको इसे। तू भागना चाहता है ना, चल बेटा चल भाग निकल, थोड़ी सी तो जगह कितनी दूर जाएगा, चल निकल 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 निकल। अरे साइम कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? हाँ तो सही तमीज़ की आंटी जी, आपको मना किया है ना टेंशन लेने से, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और शुगर भी होगी। शुगर के लिए मैं आपको ये दे रही हूँ। ये आजकल की जो औलाद है ना, ना माँ की सुने ना बाप की, अगर फोन भी करते हैं ना तो मिस्ड कॉल मारते हैं ताकि माँ वापस कॉल करे। आंटी जी आप सायम भाई की हमारा बीबी से शादी क्यों नहीं करा देती? आपने खुद ही तो कहा था कि बहुएं बेटों की चॉइस की होनी चाहिए। शारिक साहब ने भी अंकल की बात मानी, तो आप सायम साहब की मान ले। अंसा बीबी भी कितनी खुश है आपकी पसंद से, तो सायम साहब भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह शारिक साहब भी। वैसे भी आप तो सबकी आइडियल मम्मी हैं, पर मेरी आइडियल आंटी जी। ठीक कह रही हो, तुम ऐसे करो हमारा की फैमिली को बुला लो। जी आंटी मैं ऐसे ही करती हूँ। अब नीलोफर जी, थैंक यू सो मच। काश तुम मेरी सगी बहन होती, और पता है मेरी बहन ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। मेरा नाम नीलोफर है, मैं जहां जाती हूँ सब सेट कर देती हूँ। आपको पता है जहां से मैं हूं ना वहां तो मिठाई बिटती है, भंगड़े डलते हैं ऐसी खुशी पे, तो हम भी ऐसा ही करेंगे ना, आफ्टर ऑल मेरे भाई की शादी है। भाई बहन का हो गया, मैं जरा किचन जा रही हूँ। भाई इतना इमोशनल क्यों हो रहा था? भाई अम्मी मान गई। चल रिलैक्स, मैं आपको हाँ पूरे घर में रायता फैला के अब क्या खिचड़ी पका रही हो अकेले अकेले? खिचड़ी नहीं बिरयानी। आंखें हैं टच बटन, खोल के नहीं देख सकते? आंखें तो खुली हैं भाई, लेकिन एक बात बताओ, ये पंजाब वाले इतनी खिचड़ी और बिरयानी क्यों बनाते? हेलो, अब क्या सोच रही हो? देखो अब मैं अकेला ही बचा हूँ इस घर में, ना ही अंसा ना सायम ना ही अम्मा, सब पे जादू चला दिया तुमने, मुझ पे नहीं चलेगा। जानती हूँ एक आप ही हैं जो टेढ़े हैं, लेकिन साहब जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे? ये तुम पंजाबी में बात करती हो, बहुत क्यूट लगती हो, पर अगर साहब जी के आगे साहिब आलम लगा लो ना तो वाह वाह दिल खुश हो जाता है कसम से। आप चाय लेंगे या ठंडा? अरे मैं कोई मेहमान हूँ जिस तरह पूछ रही हूँ मुझसे? मैं तो चाय के साथ ना मिठाई भी खाऊंगा। किस खुशी में? गुड क्वेश्चन, अब ये तो तुम ही बताओ कि पंजाब वाले किस खुशी में मिठाई खाते? मुझे आंटी जी बुला रही हैं। लेकिन आवाज तो कोई नहीं आई। मुझे बुला रही हैं, आपको आवाज नहीं आई होगी।
पहले आंखों में धूल झोंक रही थी, अब कान बंद कर रही। वाह भाई, दुदला है।